अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे दिन की जर्नी के दूसरे हाफ में। तो अब हम रॉस आइलैंड होकर पहुंच चुके हैं नॉर्थ बे आइलैंड पे। नॉर्थ बे आइलैंड को कोरल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोरल्स हैं। इस आइलैंड का टाइम जो है सुबह 9 से लेकर शाम को 4 बजे तक ये खुला रहता है। आपको बोट से आना होता है। बोट के लिए पर हेड जो चार्ज होते हैं वो करीब 750 रुपये है। कुछ बोट वाले 780 रुपये लेते हैं जिसमें 30 रुपीज़ आपके आइलैंड की एंट्री फी भी शामिल है। नॉर्थ बे जाना जाता है अपने प्रिस्टीन बीचेस, अमेजिंग लैंडस्केप और अबुंडेंट मरीन लाइफ के लिए। नॉर्थ बे आइलैंड पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि ग्लास बॉटम बोट, सब मरीन बोट, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और जेट स्की। ग्लास बॉटम बोट का जो प्राइस है करीब 1000 रुपीज़ है। अगर आप स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग करने वाले हैं तो आप ग्लास बॉटम बोट एक्टिविटीज़ आप स्कीप कर सकते हैं। सब मरीन बोट का जो चार्ज है वो करीब ₹3000 पर हेड है। स्नॉर्किंग क्लास चार्ज जो है ₹1000, स्कूबा डाइव के लिए 3000 से लेके 3500 तक का चार्ज लिया जाता है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्लास बॉटम बोट, जिसमें बोट ऑपरेटर ही कोरल के बारे में आपको जानकारी देता है। साइक्लिंग इफेक्ट की वजह से, साइक्लोनिक इफेक्ट के चलते पानी काफ़ी धुंधला था, तो सेटिस्फैक्ट्री विजुअल्स नहीं होने की वजह से हमें उस दिन का पैसा रिफंड हो गया था। किसी भी एक्टिविटी के कैंसिल होने पे आपको आपका पैसा पूरी तरह से रिफंड मिल जाता है, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है जिसके लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेट्स की जैसी एक्टिविटी राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे ही शाम को वापस जाने के बाद होती है, जिसके लिए करीब चार्जेस जो है वो 1000 रुपीज़ हैं। स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग करते वक्त अगर आपको अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोस बनवानी हैं तो आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसके बाद आपके हाथ के ऊपर एक कोड लिखा जाएगा। उस कोड को देख के आपके जो इंस्ट्रक्टर या असिस्टेंट होंगे वाटर एक्टिविटीज़ के, वो एक गोप्रो कैमरे से आपके कुछ अंडर वाटर फोटोग्राफ्स और वीडियोस निकालेंगे जो शाम को 7 बजे तक आपको व्हाट्सएप के थ्रू डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगर आप हैवलॉक में एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ प्लान किए हुए हैं तो आप नॉर्थ बे आइलैंड की सारी एक्टिविटीज़ स्किप करके वहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। रोस आइलैंड पे वाटर एक्टिविटीज़ के अलावा काफ़ी सारे सुवीनियर शॉप और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको इस तरह की वीडियोस और फोटोग्राफ्स बना के दिए जाएंगे। नॉर्थ बे आइलैंड पे तरह तरह की फ़िशेज़ मिलती है और आपके गाइड और इंस्ट्रक्टर्स उस फिशेज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल्स के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में जानकारी देते हैं। अगर आप 1000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं इस एक्टिविटी ऊपर तो ये पूरी तरह से वर्थ है। इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन जो रखी हुई उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ के प्राइजेस से कम भी बताए गए हैं, बट हमने जो एक्टिविटीज़ के लिए जो रेट आपको इस वीडियो में बताए वहाँ पर हमने वही रेट जाने और वहाँ पर पे किए थे। आप चाहे तो बारगेन या एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी प्राइजेस जिसके बारे में हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है। वॉकटर एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद नॉर्थ बे आइलैंड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और सुवीनियर शॉप है, वहाँ से आप अपने लिए ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं। हमने यहाँ पर काफ़ी सारे टी शर्ट्स हमारे लिए, गेस्ट और रिलेटिव्स के लिए ख़रीदे। काफ़ी सारे गेस्ट और टूरिस्ट यहाँ पर सुवीनियर शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह खरीद रहे थे। जो लोग कुछ नहीं कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर शेड्स बने हुए हैं, यहाँ पर एक बढ़िया लैंडस्केप के मज़े ले सकते हैं। नॉर्थ बे आइलैंड पे खाने पीने की बहुत ही अच्छी सुविधा है। अगर आप पोर्ट ब्लेयर से कंपेयर करें तो यहाँ पे प्राइस 60-70% कम है, जो कि एक अचरज की बात है, परंतु यहाँ पर प्राइजेस कम हैं, ख़ासतौर पे सी फूड के प्राइजेस। हमने यहाँ पर क्रैब, एक सिल्वर फिश, जो सिल्वर फिश को यहाँ पर एक लोकल पॉम्फ्रेट फिश भी कहा जाता है, उसको ऑर्डर किया था। इसके अलावा हमने कुछ चाइनीज़ फूड भी ऑर्डर किया था। तो सारे खानों की क्वालिटी और क्वांटिटी सेटिस्फैक्ट्री थी। आप यहाँ पर खाने का लुत्फ़ ज़रूर से उठाए, ये रेकमेंडेड है। यहाँ से 4 बजे आइलैंड बंद होने के बाद सारी बोट्स यहाँ से रवाना हो जाती है। 4 बजे तक आपके पास भरपूर टाइमिंग है, तो आप चाहे तो यहाँ पर सी फूड के मज़े ले सकते हैं।
आप यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं, आप सुवीनियर शॉप से सुवीनियर्स खरीद सकते हैं, टी शर्ट्स खरीद सकते हैं। इस आइलैंड के ऊपर लॉकर्स वगैरह की भी सुविधा है। और रेस्टोरेंट के लाइन में 500 मीटर आगे जाते हैं आपको यहाँ पर स्मार्ट टॉयलेट्स या पोर्टेबल टॉयलेट्स, वॉशरूम्स वगैरह की भी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। उसी रास्ते पे आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो आप लाइट हाउस बीच, लाइट हाउस पे पहुंच जाएंगे। लाइट हाउस का जो एंट्री फी है वो करीब 13 रुपीज़ पर हेड एडल्ट्स के लिए है और बच्चों के लिए थोड़ा कम है। कम एज के बच्चों के लिए एंट्री फी एग्जम्प्टेड है। लाइट हाउस जो है पूरा मेटल का बना हुआ है, इसको किसी ज़माने में कहीं पर बनाया गया और बाद में यहाँ लाकर असेंबल किया गया होगा। करीब करीब 6 मंजिला हाइट तक आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी स्पाइरल स्टेयर केसेस के थ्रू। स्पाइरल स्टेयर केसेस के जब आप टॉप पे पहुँचेंगे, वहाँ पे एक छोटी सी विंडो है, उस छोटी विंडो के थ्रू आप इसके टॉप फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं। टॉप फ्लोर पे पहुँचने के बाद एक और छोटी विंडो के थ्रू आप गैलरी में पहुँचेंगे और गैलरी से आपको ये व्यू मिलेगा। ये व्यू बिल्कुल ही वर्थ है, बिल्कुल ही आप जा सकते हैं यहाँ पे। थोड़ी सी चढ़ाई करनी होगी आपको लाइट हाउस पहुँचने के लिए, पर ये सारी चीज़ें फाइनली आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यू और एक बढ़िया नज़ारे का मौका देती हैं। आइलैंड से आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा, आपको रॉस आइलैंड और पोर्ट ब्लेयर को भी यहाँ से आप देख सकते हैं।